गुड मॉर्निंग एंड सायरम बच्चों बच्चों अभी तक आपने पाठ दो चित्रों द्वारा संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान से स्वर और कुछ व्यंजन पढ़ लिए हैं मौखिक तरीके से। तो अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे ट। अब हम ट से स्टार्ट करेंगे और ज्ञ तक हम पढ़ेंगे तथा आप भी सही तरीके से इसको बार बार पढ़ेंगे तथा आपके ऐसे वन भी लिए जाएंगे। ठीक है, मालूम है आपको कि अभी तक आपके कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया गया, लेकिन जैसे जैसे आप मौखिक तरीके से पढ़ते जाओगे इन शब्दों की हिंदी और संस्कृत अच्छी तरीके से समझ जाओगे तथा लिखना तो नहीं, लिख तो आप रफ कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन ओरली आपको बोलना आ जाएगा। ठीक है, और बोल के तथा उनको रफ कॉपी में आप लिखने की कोशिश कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं व्यंजन ट की। तो ट ट टंग, तो ये टंग है ट से टंग, जैसे ट से टमाटर हिंदी में आपने पढ़ा होगा उसी तरह से संस्कृत में है ट से टंग, मतलब उसका मतलब क्या है, ऊपर आपको दिख भी रही है पिक्चर, कुल्हाड़ी, क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी। तो इस तरह से आपने हिंदी की संस्कृत और संस्कृत की हिंदी आपको समझ आनी चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। ठ ठ ठ से ठटक, तो ठटक मतलब ठेरा, क्या है ये ठंटेरा, तो क्या बना रहा है ये बर्तन बना रहा है। ड ड से डमरू, डमरूह, तो डमरूह में विसर्ग है और इसका अर्थ, हिंदी अर्थ भी इसका डमरू ही होता है। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ भी डमरू है, सिर्फ उसमें से विसर्ग हटाना है। क्या हटाना है, विसर्ग, जो दो बिंदु हैं उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, तो विसर्ग हटाना है। अभी आपको सिर्फ पढ़ के लर्न करना है, ठीक है, पढ़ना है और उसको याद कर लेना है। जब आपके ऐसे वन होंगे, किस तरह से आपके ऐसे वन लिए जाएंगे ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, अब है नीचे ड, ड के बाद क्या है ट ठ ड ढ, ये हिंदी में भी आप पढ़ते हो ना व्यंजन ड। अब आया हमारे पास ड, ड से ढक्क, तो ढक्क ढक्क का क्या है, क्या दिख रहा है आपको, ढोल, ड्रम, क्या दिख रहा है, ढोल, तो ढक्क ढोल, ढक्कह ढोल, ये आपको बार बार बोल के याद करना है। अण, अण का कोई शब्द नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं है, अण। अंकार, अब है ट के बाद ट ठ ड ढ, उसके बाद क्या आया है, तो त से तड़ाग, तो तड़ाग का उन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, तालाब, क्या दिया है, तालाब, तालाब में फूल दिख रहे हैं आपको, और तालाब, तड़ाग आपको बोलना आना चाहिए तथा आप रफ कॉपी में लिख के भी याद कर सकते हैं। अब है नीचे थ, थ का उन्होंने थ पे विसर्ग लगाया, थ, तो थ इसका थ को हम क्या बोलेंगे, थ, तो थ का क्या आया, पहाड़, क्या है ये, पहाड़। ठीक है, अब है द, द, द का दंड, तो दंड यहाँ पर क्या रखा गया है, डंडा, तो द का दंड, दंड मतलब डंडा। ठीक है, द के बाद ध, ध से धनु, धनुष होता है ना, ध से धनु, धनु को क्या बोलते हैं हिंदी में, धनुष। ठीक है, ध धनु, धनु मतलब धनुष। ठीक है, अब है नीचे न, क्या है, न, न का, न का नारिकेल, नारिकेल, न मतलब नारिकेल, नारिकेल का यहाँ पर क्या दिया गया है, नारियल। ठीक है, नारिकेल मतलब नारियल। प, अब है प, पत्रम, पत्रम मतलब पत्रम, पत्ता, और एक पत्रम होता है पत्र, तो प से पत्रम भी हो सकता है, प से पत्रम के दो मीनिंग हो सकते हैं, पत्रम मतलब पत्ता और एक पत्रम का मीनिंग होता है पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक पत्ता रखा हुआ है,
तो पत्रम का मीनिंग क्या, उसका अर्थ क्या हुआ हिंदी का? पत्ता। अवे फ, फ का फलम, क्या है? फलम, फलम, फलम। यहाँ पर क्या रखे गए हैं? फल। तो फलम का क्या अर्थ है? फल, फलम, फल। आप इसके साथ साथ इंग्लिश भी, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, और इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। फ का मतलब तीनों चीज़ों में आपको बताया गया है। ब, बालक। ब का मतलब बालक, बालक। तो बालक, बालक का लड़का, लड़का। अब है नीचे भ, प, फ, ब, भ। तो भ, भवनम। क्या है? भवनम। तो भवनम के क्या होगा? मकान। क्या है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको? मकान। भ, भवनम, भवनम, मकान। म, म, मयूर, मयूर। तो मयूर मतलब मोर, मयूर, मोर, मोर, मोर। क्या है ये, कौन सा पक्षी है? मोर। तो प, फ, ब, भ, म। ठीक है, म तक हमने पढ़ लिया है। अब हम आएंगे नीचे य, य से यज्ञ। क्या है य? यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ। क्या हो रहा है यहाँ पर? आपने देखा होगा ना, जब पूजा पाठ होते हैं मंदिरों में भी या कभी घर पे भी, तो हवन कुंड में जो हवन करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता, क्या होता है वहाँ पर? यज्ञ कहलाता है वो। तो यज्ञ, यज्ञ, यो, यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ। ठीक है, र, र का रथ, रथ, रथ मतलब रथ। इसका भी यज्ञ में भी विसर्ग हटा दिया तो यज्ञ होगा, और र में रथ में भी रथ से विसर्ग दोनों हटा देंगे, उसका बोलने का तरीका भी हट जाएगा। रथ और रथ, विसर्ग हटने के बाद केवल वो रथ बोला जा रहा है उसको। ठीक है, हिंदी में इसको रथ बोलते हैं और संस्कृत में बोलते हैं रथ। ठीक है, ल, नीचे है ल, ल का क्या होगा? लूता, लूता, लूता मतलब मकड़ी। ठीक है, लूता, मकड़ी। ठीक है, लूता में विसर्ग नहीं है। अब है वो का वानर। क्या है ये? वानर, वानर मतलब बंदर, वानर, बंदर। य, र, ल, व। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आया श, तो श कौन सा वाला श? सलगम वाला श। कौन सा वाला श? जो हिंदी में हम सलगम वाला श बोलते हैं, शारदा। श का शारदा, शारदा मतलब माँ सरस्वती। क्या है शारदा का क्या मीनिंग होगा? माँ सरस्वती। श, शारदा, माँ सरस्वती। अब नीचे है स, षटकोण वाला स बोलते हैं इसको, प वाला स भी बोलते हैं। षटपद, क्या है ये? षटपद, षटपद मतलब भौंरा। क्या है ये? भौंरा, षटपद, भौंरा। श, स, स, स वाला कौन सा? सारिका। स से सारिका, सारिका मतलब मैना, मैना, सारिका, मैना। स, श, स, ये तीनों स का मीनिंग भी आप जानते हैं, और किस तरह से इन स को बोला जाता है ये मैंने हिंदी में पढ़ाया था। अब ह का हंस, ह का हंस, हंस मतलब हंस, इससे भी विसर्ग हट जाएगा तो हंस का हंस आ जाएगा, हंस ह का हंस। ठीक है, अब क्ष, तो क्ष, क्ष का क्षत्रज्ञ। य, र, ल, व, स, श, ह, क्षत्रज्ञ, इस तरह से आप पढ़ते हैं ना। तो अक्ष, अक्ष का है क्षत्रिय, इसको क्या बोलेंगे? क्षत्रिय। क्षत्रिय का भी वही है, विसर्ग हटने के बाद क्षत्रिय ही आएगा। ठीक है, अब है त्र, त्र का त्रिशूलम। तो त्रिशूलम आपको दिख रहा है, ये त्रिशूल है, त्रिशूलम का त्रिशूल। अच्छा, अब है नीचे ज्ञ, तो ज्ञ का ज्ञानी, ज्ञानी मतलब विद्वान। ग, ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानी मतलब विद्वान, संस्कृत में क्या बोलेंगे? विद्वान।
अब है श। ठीक है, क्षत्रज्ञ के बाद ये श आया है, तो श को क्या बोलते हैं, श को क्या बोलेंगे, श्रोतम। ये श्रोतम क्या है, कान, श का श्रोतम, श्रोतम मतलब कान। तो इसी तरह से हमारे व्यंजन क से लेके क्षत्रज्ञ तक फिनिश हो गए हैं, और आपको इस तरह से ओरली पढ़ते जाना है। ठीक है, जो हमने ट से शुरू किया है या जो हमने अ से शुरू किया है, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में तीन वीडियो बनी हैं, तो तीनों वीडियो को आपको, हर एक वीडियो को कभी भी आप खोल के उसे पढ़ सकते हैं, या अपनी बुक में देखकर उसे पढ़ सकते हैं। वीडियो आपने एक बार देख ली, लेकिन बुक तो आपके पास है ही, उस बुक में से आप बार बार बुक, एक टाइम टेबल के हिसाब से घर में अपना टाइम टेबल बना लो, और आप जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, और हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा, चाहे कोई ओरल होगा चाहे रिटन होगा। जो चाहें तो लिख के भी याद कर सकते हैं। वैसे सब्जेक्ट हमारा रिटन का नहीं है, एग्ज़ाम भी हमारे ओरली होंगे, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ पढ़ के याद करना ही होगा, संस्कृत समझनी होगी, क्योंकि अगर हम क्लास में आपको पढ़ाते तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते थे आप, पूछ सकते थे, लेकिन वीडियो में भी फिर भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा, बुक हर रोज़ आपको बुक खोल के देखनी होगी। और उसके बाद आपको आपके पार्ट एक और पार्ट दो फिनिश हो गया। इसी तरह से हर एक मंडे के आपको वीडियो भेजते जाएंगे, तथा आपको हर एक दिन पढ़ते